यादव टीचर्स के जातिवाद ने ले ली छात्र की जान। जातिवाद से तंग आकर 10वीं के छात्र ने उठाया खौफनाक कदम। रात करीब 12:30 बजे हॉस्टल से निकलता हुआ ये युवक है 10वीं क्लास का छात्र सचिन रेगर। सचिन आधी रात में हॉस्टल से निकलता है और अपने स्कूल की तरफ जाता है। सचिन के कदम धीरे धीरे क्लासरूम की तरफ बढ़े और फिर उसने वो खौफनाक कदम उठा लिया जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। जिस क्लासरूम में बैठकर सचिन पढ़ाई करता था उसी क्लासरूम में उसने फांसी लगा ली। सुबह जब सफाई कर्मी क्लासरूम में आई तो उसने ये खौफनाक मंजर देखा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान के कोटपुतली शहर के नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले सचिन रेगर ने इसलिए अपनी जान ले ली क्योंकि स्कूल के ही दो टीचर उसे जाति के आधार पर लगातार परेशान कर रहे थे। आरोप है कि राजकुमार यादव और विवेक यादव नाम के शिक्षकों ने उसे जातिवादी गाली दी और सबके सामने उसे बेइज्जत भी किया जिससे आहत होकर सचिन रेगर ने अपनी जान दे दी। 12th क्लास के बॉयज छुट्टी हो गई थी तब जा रहे थे तो वहाँ ग्राउंड में पट्टियों पे राजकुमार सर और विवेक यादव सर बैठे थे और सचिन कुलदीप और दिलखुश 10th क्लास के खड़े थे। तो हमने वहाँ देखा, हम वहाँ उसको सुनाते देखा तो हम रुके। तो वो सचिन उसको सर को बोल रहा था कि सर मैं मेरी गलती मान रहा हूँ और आप भी अपनी गलती मानिए। तो सर ने आपने मेरे को गाली दी थी तो आप गलती एक्सेप्ट करो। तो सर ने बोला मैंने तेरे को क्या गाली दी थी, क्योंकि आपने सर उस दिन मेरे को ये उसने गाली को कोट किया और बोले ये गाली दी थी। तो सर ने 3 बार उसी गाली को रिपीट किया, अब मैं तुम्हें वापस दे रहा हूँ, तुझे जो करना है कर ले। ये मेरी जो अकड़ है ना ये खानदानी अकड़ है, मेरा बैकग्राउंड तू जानता नहीं, मैं कौन हूँ तू जानता नहीं है। अभी मैं रुक तेरा क्या करता हूँ, तेरे पेरेंट्स कोर्ट के चक्कर लगाएंगे, अभी तेरे पेरेंट्स आगे मेरे पैरों में पड़ेंगे। अभी तू तेरे को जो करना है कर ले, तू एप्लीकेशन लिख प्रिंसिपल के पास चल जा, वो मेरा कुछ नहीं कर सकता। या कोर्ट थाना है, थाने में चल जा, केस कर दे, थाना कोई कुछ नहीं करता, केस कर दे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, और राजकुमार यादव सर ने उसके दो थप्पड़ मारे, दो थप्पड़ मारी खींच खींच के। ठीक है, फिर उसको खूब ज्यादा मतलब मेंटली और फैमिली जाति चूजक सब दिए इंडायरेक्टली बोल के सुना के उसको गाली कलोच की है सुने। तीन बार उसी गाली को रिपीट किया और अब मैंने गाली बोली, अब तेरे को जो करना है कर। फिर उसको भेज दिया गया, वो बच्चा परेशान था इसलिए खाना खाने नहीं गया। तो सर को उसको समझाना चाहिए था कि तू खाना खाना क्यों नहीं गया, खाना खिलाते। लेकिन सर ने फिर उसको कहा कि छोटा एक बड़ा पत्थर होता है तो देख ले अब तू कहाँ पे है, ऐसे करके एप्लीकेशन लिख मैं खाने खाना नहीं गया। फिर उसको आधा घंटे तक लगभग सुनाया गया, फिर परेशान किया गया। फिर वो लड़का परेशान होके साथी को बोला दिलखुश को कि मैं सो रहा हूँ, कल एग्जाम है पढ़ेंगे। सचिन के पिता बनवारी लाल मजदूरी करते हैं, माँ मानसिक रूप से बीमार है, सचिन से बड़ी 2 बहनें और 1 छोटा भाई है। सचिन शुरू से ही पढ़ाई में तेज था और 4 साल पहले 6ठी क्लास में नवोदय स्कूल में एडमिशन लिया था। उसके बहुत से सपने थे, परिवार उससे उम्मीद लगाए बैठा था कि वो घर के दिन बदल देगा, लेकिन जातिवादी शिक्षकों की नफरत ने उसे अपना शिकार बना लिया। अब आरोपी शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। वारदात के 54 घंटे बाद भी पोस्टमार्टम नहीं हो सका। परिवार वालों के साथ दलित बहुजन समुदाय के लोग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। फिलहाल दोनों आरोपी शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आरोपी शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगे हैं और उनके खिलाफ गवाही देने के लिए स्कूल के छात्र भी मौजूद हैं। इसलिए सवाल उठता है कि आखिर आरोपी शिक्षकों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। सवाल तो ये भी है कि खुद को बहुजन समाज बताने वाली कुछ ओबीसी जातियां दलितों से इतनी नफरत क्यों करती हैं? आखिर ओबीसी समाज की ये जातियां दलितों से जातिवाद करना कब छोड़ेंगी? इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं।
इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज पीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।